नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम मुंबई। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन द पॉजिटिव थिंग। टुडे नंबर ऑफ पर्संस रिमेन इन नेगेटिव थिंकिंग, ये नहीं चाहिए, ये हो जाएगा। सो बी ऑलवेज इन ए पॉजिटिव थिंकिंग। आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, दुनिया बहुत सुंदर है। ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी है, इतने बढ़िया फल, ग्रीनरी, नंबर ऑफ माउंटेन्स और क्या नहीं है। एक कहावत भी है, सकल पदार्थ है जग माही, बिना भाग नर पावत नाही। इसलिए अपने भाग्य को बड़ा कीजिए विद पॉजिटिव थिंकिंग। हम पॉजिटिव थिंकिंग से क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका हर चीज को देखने का नजरिया पॉजिटिव होगा और आप उस सफलताओं को अर्जित करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। इट विल आल्सो मेक थिंग्स बिकम इजियर एंड इवन एंजॉयबल। एक काम को करते हुए दुखी होना, परेशान होना, ये नहीं होगा, ऐसा सोचना आदमी को और मुसीबत में डालता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो काम बड़ा इजियर हो जाता है, इंजॉयबल हो जाता है। इट कैन हेल्प यू रियलाइज थिंग्स दैट यू नेवर थॉट टू बी पॉसिबल। आप सोच भी नहीं सकते कि ये काम हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग में वो पावर है, उससे हो जाता है। बड़ा सोचना, पॉजिटिव सोचना एक सक्सेस हैबिट है, वो आपको सफलता की तरफ धकेलती है, सक्सेस की तरफ ले जाती है। By having positive thinking, you will face the world and every challenge more easily and wisely. आपको पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया में हजारों तरह के लोग हैं। नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, साधु हैं, वर्कर हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं। किससे कैसे बात करना है वह आपको पॉजिटिव थिंकिंग से आता है। आप उनसे बहुत सहजता से, बहुत बुद्धिमत्ता से बात कर सकते हैं। यू आर मोर मोटिवेटेड एंड बिलीवर दैट यू विल अचीव योर सक्सेस अहेड दैट वाज अवेटेड टू बी रीच्ड। आप पॉजिटिव थिंकिंग से हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं, उत्साहित रह सकते हैं, उमंगित रह सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि आप वो सब अचीव कर लेंगे जिसके लिए आप बने हैं या जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे हैं या जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो बिलीव दैट यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। इसलिए आप अपने पर विश्वास कीजिए और अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कीजिए। कोई दूसरा आदमी आपके फ्यूचर को नहीं बना सकता एक्सेप्ट यू। नो वन कैन डिसाइड एंड क्रिएट योर फ्यूचर एक्सेप्ट यू। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। अपनी गलती को मानना सीखिए और उसमें लगातार सुधार करिए। बहुत सारे लोग अपनी गलती को ही नहीं मानते। जहां आप अपनी गलती को नहीं मानते, वहीं आपका विकास रुक जाता है। देर इज नो एंड टू हाउ मच यू कैन एकम्प्लिश इन लाइफ टाइम। ये दुनिया अनंत है, आसमान अनंत है। आप अपने एफर्ट्स में ये नहीं जान सकते कि आप कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी एक छोटे से गांव से थे, राष्ट्रपति पद से रिटायर हुए। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। He has worked his work with honesty and loyalty. So there are some examples की negative tasks क्या हैं और positive tasks क्या हैं। I have never done it before. मैंने ये कभी किया ही नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, It's an opportunity to learn something new. हम नया सीखने की अपॉर्चुनिटी है। Do it. It is too complicated. बहुत ही मुश्किल है। अरे, I will tackle it from a different angle. आप उसके नए तरीके से सोचिए, डिफरेंट एंगल से। वो बिल्कुल इजी है। बहुत सारे लोग एक छोटी सी प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं और दूसरे उसी को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग का ही कमाल है। आई एम टू लेजी टू गेट इट डन। मैं बहुत ही सुस्त आदमी। सो आई वाज नॉट एबल टू फिट इन टू माई शेड्यूल बट कैन री एग्जामिन सम प्रायोरिटीज। वो कह सकते हैं कि मैं इसको री एग्जामिन करूंगा प्रायोरिटीज के लिए। काम होना ना होना बात की बात, बट आप पॉजिटिव तो रहिए। आई डोंट हैव द रिसोर्सेज। मेरे पास साधन ही नहीं है।
इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमारे पास जरूरत पड़ती है तो बिना साधनों के भी वह काम हो जाता है। इट इज टू रेडिकल ए चेंज। अरे चेंज तो हो ही नहीं सकता, बट दुनिया का नियम है चेंज इज इनएविटेबल, लेट्स टेक ए चांस। नो वन बदर्स टू कम्युनिकेट विद मी। अरे यार मैं तो निराश हूं, मेरे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। सो हम इसको कह सकते हैं लेट आई ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मैं खुद बात करूंगा, जो दो लोगों से बात करूंगा, एक आदमी नहीं बोलेगा, दो नहीं बोलेगा, तीन नहीं बोलेंगे, चौथा तो बोलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर एट दिस। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर ये इस काम में मन नहीं लग रहा है, यू शुड ट्राई अनदर। आई विल गिव इट अनदर ट्राई। सो इट्स ओनली ए सिंपल थिंग दैट योअर एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव। हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं, आप कांटे देखेंगे या गुलाब का फूल देखेंगे, इट इज अप टू यू। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माई सिंपल एफर्ट्स टू मोटिवेट द यंगर जनरेशन एंड माई कंट्रीमैन्स। थैंक यू वेरी मच।